है मतदान एक्सप्रेस और हम बरेली में हैं। ये बस जगह जगह रुकेगी, नुक्कड़ नाटक करेगी, इसमें बच्चे हैं जो गाने गाएंगे और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ और करिए इस दिलचस्प बस का सफर। मैंने अभी नाटक किया था यहाँ पे, नुक्कड़ नाटक, जिसमें मैं गांव की औरत बनी थी। उसमें मतलब मुझे वोट नहीं डालने देना था, मैं मना कर रही थी कि मुझे वोट नहीं डालना है, फालतू के काम है ये, टाइम वेस्ट होगा ऐसे से। बट जब हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना में जो हमारी सहपाठी हैं उन्होंने समझाया कि हमें वोट डालना चाहिए, तो फिर मैं भी मान गई और बाकी सारे लोग भी मान गए। हम सभी लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं घर घर जाके, ये मेरा वोट नहीं है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, जितने लोग हैं यहाँ हम लोग जिन जिन को प्रेरित करते हैं वो वोट डालने जाएंगे। हमारा मतदान का ये जो त्योहार एक तरह से हम समझते हैं, ये त्योहार चल रहा है, हम हर वर्ष इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शहर भर में घूमती है इलेक्शन एक्सप्रेस, अब पहुंची है बरेली यूनिवर्सिटी के सामने, जहां ये बच्चे एक नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। जो भी बने लेकिन बेटियां हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि हमेशा को हर कोई ये कहता है ना कि बेटे पैदा होते हैं तो ये कहते हैं बेटे बेटे बेटे, लेकिन बेटियां हमेशा आगे बढ़े, मैं ये चाहती हूँ। जिनके पास काम वाम नहीं है और जो गरीब हैं, पहले हम उनकी सहायता करेंगे, और बच्चों को जो शिक्षा नहीं पा पा रहे हैं उनके लिए हम शिक्षा के लिए संबंध वो करवाएंगे, प्रबंध करवाएंगे उसके लिए, ऐसा हमारी सोच है। तो मोदी जी है, और मीन्स क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, और भी सारे हैं, बट मैं तो उनको ही, मैं मेरे घर वाले तो उन्हीं को वोट देंगे। अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने बेटियों के लिए बहुत अच्छा करा है, जैसे उन्होंने कन्या विद्याधन दिया था, ताकि जैसे कोई गरीब बेटी है तो उसके लिए जैसे वो पढ़ाई के लिए भी कर सकती है। मेरा फेवरेट लीडर जो अच्छा काम करता है वही मेरा फेवरेट लीडर है। जो भी लोग क्वीन पे ये स्टोरी देख रहे हैं उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दें और वोट डालने जरूर जाएं, अपना मतदान अवश्य करें।